कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को देखते हुए नमलहजे के साथ कहती है, लेखक बाबू आप आ गए मुझसे मिलने। अनुराग हंसते हुए भक्षानर की आवाज में कहता है, लेखक बाबू नहीं यक्षिणी, मैं हूँ तेरा काल स्वामी भक्षानर। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ ही अनुराग से पूछती है, मुझे मेरे लेखक बाबू से बात करनी है। अनुराग भक्षानर की आवाज में कहता है, अब तू उस लेखक से कभी भी बात नहीं कर पाएगी यक्षिणी। यक्षिणी चुप ही रहती है। जब कामेश्वरी यक्षिणी कुछ नहीं पूछती है तो अनुराग खुद ही कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, तू ऐसे चुप क्यों हो गई? क्या तू जानना नहीं चाहेगी कि क्यों अब तू कभी उस लेखक से बात नहीं कर पाएगी? कामेश्वरी यक्षिणी धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, क्यों? अनुराग हंसते हुए जवाब देता है, क्योंकि मैंने तेरे उस लेखक बाबू को मार दिया। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग की ये बात सुनकर बिल्कुल नहीं घबराती है, बल्कि बड़ी ही हिम्मत के साथ पलट कर कहती है, नहीं, तू लेखक बाबू को नहीं मार सकता। अनुराग अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, मैंने उसे मार दिया है यक्षिणी, यही सच है। अब उसका शरीर पूरी तरह मेरे वश में है, उसके शरीर पर अब पूरी तरह मेरा हक है। कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू लेखक बाबू को नहीं मार सकता। अनुराग हंसते हुए ही भक्षानर की आवाज में कहता है, मारना तो मैं भी उसे नहीं चाहता था यक्षिणी, पर वो तेरा लेखक बाबू है ना, बहुत होशियारी झाड़ रहा था, मेरे सामने चालाकी दिखा रहा था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अब वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया है, तू अब कभी उसकी आवाज नहीं सुन पाएगी। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है, कुछ नहीं कहती है। अनुराग फिर भारी आवाज में बोल पड़ता है, उस चित्रा ने तो मुझे धोखा दिया ही, साथ में उस अनुराग ने भी मुझे धोखा दिया। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत पूछ पड़ती है, कैसा धोखा? अनुराग कहता है, मैं युग को छोड़ने के लिए हॉस्टल गया था, पर जब मैं वापस आया तब। इसी के साथ अनुराग उसे सब कुछ बता देता है, पर ये नहीं बताता है कि उसने चित्रा के साथ बेसहा किया था और चित्रा ने उसे डायन समुदाय का हीरा दिया था, तब जाकर उसने युग को हॉस्टल छोड़ा था। साथ में ये भी नहीं बताता है कि उसे पता चल गया था कि प्रशांत इस वक्त उसी कमरे में मौजूद है। वो बस कामेश्वरी यक्षिणी से कहते रहता है कि अनुराग ने उसे धोखा दिया, इसी वजह से उसने अनुराग को मार दिया, पर धोखे के बारे में कुछ नहीं बताता है। पर कामेश्वरी यक्षिणी को अभी भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि अनुराग जिंदा है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पर अड़ते हुए अनुराग से कहती है, तुझे जो बोलना है बोल भक्षानर, पर मैं जानती हूँ मेरे लेखक बाबू जिंदा है। अनुराग कहता है, अगर तुझे यही मानना है, सच को स्वीकार ही नहीं करना है तो वही सही कामेश्वरी, उसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, पर सच वही है जो मैंने कहा है। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। अनुराग बॉटल को अपने चेहरे के और पास लाता है और कामेश्वरी यक्षिणी को वासना भरी निगाहों से देखने लग जाता है। प्रशांत वहीं पर छुपा हुआ था और अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी के बीच की सारी बातें सुन रहा था। प्रशांत बस मौका ढूंढ रहा था कि अनुराग उस बॉटल को नीचे रखे और वो उसी वक्त जाएगा और कामेश्वरी यक्षिणी को उस बॉटल से आजाद करवा देगा, पर अनुराग था कि उस बॉटल को नीचे ही नहीं रख रहा था। प्रशांत नहीं जानता था कि अदृश्य कमरे में किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती है, इसलिए भक्षानर की शक्तियों का डर अभी भी उसके मन में बना हुआ था। अनुराग वासना भरी निगाहों से कामेश्वरी यक्षिणी को ही देखे जा रहा था। ये सब कामेश्वरी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले अनुराग जब भी उस कमरे में आया था, ना ही उसने इतना वक्त बिताया था, ना ही ऐसी निगाहों के साथ कभी उसे देखा था। कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल उससे पूछ पड़ती है, तू यहाँ पर क्यों आए भक्षानर? अनुराग वासना भरी निगाहों के साथ ही बड़े प्यार से भक्षानर की आवाज में कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, तेरे लिए कामेश्वरी, मैं आज यहाँ पर तेरे लिए आया हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी को भक्षानर की ये बातें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुझे आजाद करने के लिए आया हूँ। जब कामेश्वरी यक्षिणी ये बात सुनती है तो उसके दिल में खुशी तो होती है, पर अगले ही पल वो खुशी गायब भी हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि भक्षानर ऐसा कभी नहीं करने वाला था। वो बस उसके जज्बातों, एहसासों, भावनाओं के साथ खेल रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, तू फिर झूठ बोलने लग गया भक्षानर? अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यक्षिणी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुझे आजाद ही करने के लिए आया हूँ,
और मैं तुझे आजाद कर भी दूंगा। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ कहती उससे पहले अनुराग फिर बोल पड़ता है, आजाद तो करूंगा पर मेरी एक शर्त है। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को एकटक देखते हुए उससे पूछती है, कैसी शर्त? अनुराग कहता है, यही कि तुझे मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। मैं कहूँगा उठ तो उठना पड़ेगा, मैं कहूँ बैठ तो बैठना पड़ेगा, मैं कहूँ हंस तो हंसना पड़ेगा, मैं कहूँगा रो तो रोना पड़ेगा। अनुराग शातिर मुस्कान के साथ कहता है, इतना ही नहीं, अगर मैं कहूँगा सो तो तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये बात सुनती है, गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को घूरते हुए कहती है, और तुझे क्या लगा भक्षानर कि मैं तेरी ये शर्त मान लूंगी? अनुराग बड़े ताव के साथ कहता है, तुझे मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी यक्षिणी, क्योंकि तेरे पास मेरी ये शर्त मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना तू इसी तरह जिंदगी भर इस बॉटल के अंदर सड़ती रहेगी। कामेश्वरी यक्षिणी के कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो बिना भक्षानर की मदद के उस कैद से आजाद नहीं हो सकती थी। उसने हर कोशिश करके देख लिया था, फिर भी वो उस बॉटल से आजाद नहीं हो पाई थी। अनुराग फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, अच्छे से सोच ले यक्षिणी, तेरा क्या फैसला है? ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। मेरा आज तुझे आजाद करने का मन है, हो सकता है बाद में ना हो। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, देखा जाए तो ये भक्षानर ठीक ही तो बोल रहा है, मैं कब तक यहाँ पर कैद रहूंगी? मुझे बाहर निकलने के लिए इसकी बात माननी होगी। मुझे यहाँ से बाहर निकलकर अपनी बेटी को भी ढूंढना है, उसे रंजन से बचाना है। अगर मैं यहीं पर कैद रही तो पता नहीं वो रंजन मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए कहता है, जल्दी बोल यक्षिणी, तेरा क्या फैसला है? मुझे और भी बहुत जरूरी काम करने जाना है। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचती है, मुझे पहले यहाँ से कैसे भी करके आजाद होना है, तभी मैं इस भक्षानर का अंत भी कर पाऊंगी, और जिसके लिए मुझे इसकी सारी शर्तें माननी ही पड़ेगी। अनुराग फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, बोल क्या तू मेरी सारी शर्त मानने के लिए तैयार है? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ भक्षानर, मैं तेरी हर एक बात मानूंगी, जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगी। अनुराग खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात। अगले पल अनुराग उस बॉटल में से कामेश्वरी यक्षिणी को निकालने लग जाता है। ये देखकर प्रशांत की हिम्मत डगमगा जाती है, क्योंकि बाजी पूरी पलट चुकी थी। वो सोच कर आया था कि वो कामेश्वरी यक्षिणी को आजाद करेगा, और यहाँ पर तो भक्षानर ने ही कामेश्वरी यक्षिणी को आजाद कर दिया था। अगले पल कामेश्वरी यक्षिणी बॉटल में से बाहर आ जाती है। अनुराग उस खाली बॉटल को वापस से रैक पर जमा देता है। बॉटल के बाहर आते ही कामेश्वरी यक्षिणी की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। वह अनुराग के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, अब तू बाहर तो आ गई, पर अब तू साबित कर कि तू मेरी हर एक बात मानेगी। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, साबित करूं पर कैसे भक्षानर? भक्षानर कहता है, शिकार करके कामेश्वरी, आज पूर्णिमा है ना, तो तेरे शिकार की रात है, और तुझे अब मेरे लिए शिकार करना होगा, जिसे मैं बोलूं उसे तुझे मारना होगा। कामेश्वरी यक्षिणी बिना कुछ सोचे समझे अगले पल बोल पड़ती है, मैं तैयार हूँ भक्षानर, चल बंगला मुड़ा घाट पर, तू जिसे बोलेगा मैं उसे ही मार दूंगी, सिर्फ तेरे लिए। अनुराग हंसते हुए ही भक्षानर की आवाज में कहता है, आज तुझे शिकार करने के लिए घाट पर नहीं जाना है कामेश्वरी, क्योंकि शिकार तो खुद चलकर तेरे पास आया है, तेरा शिकार यहीं पर मौजूद है। कामेश्वरी यक्षिणी को अनुराग की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो हैरानी के साथ उसे घूरती रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ बोल पड़ती है, यहाँ पर शिकार है? कहाँ पर है शिकार? अनुराग अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, वो देख, वो रहा शिकार, वहां छुपा हुआ है। अनुराग ने अपने हाथ से कहीं और नहीं बल्कि प्रशांत की तरफ इशारा किया था। जब प्रशांत अनुराग की उंगली अपनी तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो डर से कांपने लग जाता है। अगले ही पल प्रशांत वहां से भागने लग जाता है। अनुराग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, जा पकड़ उसे यक्षिणी, उसे भागने मत देना। कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती है और प्रशांत के वहां से भागने से पहले ही उसे पकड़ लेती है। कामेश्वरी यक्षिणी प्रशांत को घसीटते हुए अनुराग के पास लाने लग जाती है। घसीटने के कारण प्रशांत की पीठ छिलने लग जाती है, उसका खून निकलने लग जाता है। प्रशांत दर्द से कराहते हुए रोते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो यक्षिणी, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। कामेश्वरी यक्षिणी प्रशांत से कुछ नहीं कहती है,
बस उसे घसीटते हुए अनुराग के पास लाती है और उसके पैरों के पास प्रशांत को छोड़ देती है। ये सब देखकर अनुराग कसकस कर डरावनी आवाज में हंसने लग जाता है। प्रशांत रोते रहता है और अपनी जान की भीख मांगते रहता है। अनुराग भक्षानर की आवाज में प्रशांत के बाल खींचते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुझे क्या लगा था प्रशांत कि तू मेरी नजरों से बच जाएगा? मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। तुझे क्या लगता है तू खुद यहाँ इस कमरे में आया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ तुझे मारने के लिए। प्रशांत रोते हुए कहता है, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैंने यहाँ पर जो भी देखा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अनुराग शातिर मुस्कान के साथ कहता है, छोड़ दूंगा प्रशांत, आज मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। आज मेरा मन बहुत खुश है, आखिर यक्षिणी जो मेरी तरफ आ गई है, बस तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। प्रशांत हकलाते हुए पूछता है, कैसा सवाल? अनुराग अगले पल गुस्से के साथ कहता है, यही कि वो डायन चित्रा कहां पर है। ये सवाल सुनते ही प्रशांत का डर और ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। अनुराग प्रशांत पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ता है, चुप क्यों है? मेरे सवालों का जवाब दे, बता वो चित्रा डायन कहां पर है, कहां गई है वो? प्रशांत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अनुराग प्रशांत के बाल और कसकर खींचते हुए कहता है, क्या कहा, तुझे नहीं पता? तुझे नहीं पता तो फिर किसको पता है? मुझे पता है तू उस चित्रा के साथ मिला हुआ है, उसने तुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया है, तू जानता है मैं कौन हूँ। प्रशांत चुप ही रहता है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, तूने तो शुरू से ही उस चित्रा पर डोरे डाले हुए थे ना, तुझे भी उसका मखमली बदन पसंद है ना, तू प्यार करता है ना उससे? प्रशांत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, बस उनकी इज्जत करता हूँ, उन्हें अपनी भाभी मानता हूँ और देवर होने के नाते ही मैं उनकी मदद करना चाहता था, इस जंजाल से बाहर निकालना चाहता था। अनुराग भक्षानर की आवाज में कहता है, अगर जंजाल से बाहर ही निकालना चाहता था तो ये भी बता दे कि कहां पर छोड़कर आए हैं उसे, वो कहां पर गई है? प्रशांत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, कहा तो मैंने कि मुझे नहीं पता। अनुराग कहता है, अगर तुझे नहीं पता तो फिर किसको पता है? प्रशांत चुप ही रहता है। वो यक्षिणी की तरफ देखते हुए उसे अनुराग को मारने का इशारा करने लग जाता है, जो अनुराग देख लेता है। अनुराग हंसते हुए कहता है, उसकी तरफ क्या इशारा कर रहा है, वो मेरा कुछ नहीं करने वाली है, वो मेरी तरफ है, वो मुझे नहीं मारेगी। इतना कहकर अनुराग और कसकर प्रशांत के बाल खींचने लग जाता है। वो इतनी कसकर प्रशांत के बाल खींचता है कि उसके हाथ की मुट्ठी में प्रशांत के बाल आ जाते हैं। प्रशांत दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ता है। अनुराग फिर प्रशांत से पूछ पड़ता है, बता कहां गई है चित्रा? प्रशांत बड़े ताव के साथ कहता है, मैंने कहा तो मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो भी तुझे कुछ नहीं बताता भक्षानर, वो इस जंजाल से बहुत दूर जा चुकी है, बहुत दूर। अनुराग प्रशांत को घूरते हुए कहता है, लगता है तुझे तेरी जान ज्यादा प्यारी नहीं है। प्रशांत आक्रोश के साथ कहता है, जान प्यारी होती तो मैं चित्रा भाभी की मदद ही नहीं करता भक्षानर, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैंने देवर होने का धर्म निभाया है। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, धर्म तो अब यक्षिणी निभाएगी प्रशांत, तुझे मारकर। अनुराग यक्षिणी की तरफ निगाहें करते हुए कहता है, यक्षिणी मार दे इस कमीने को, मुझे नहीं लगता ये हमें कुछ बताने वाला है, मुझसे गद्दारी की सजा मौत है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।